इससे बुरा दिवस किसी का नहीं जा सकता। वहां पे गोविंद राज मुझसे रुष्ट है, ऊपर से ये पीड़ा, और वहां भार्गवी, उसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है। उसके लिए मैं वृक्ष पर चढ़ा, वहां से मैं गिरा, उसे तो मेरी चिंता। अरे भार्गवी, तुम्हें किथे? हाँ मैं बताती हूँ, आप पहले कहीं बैठ तो जाइए। हाँ बैठता हूँ, यहाँ कहाँ, यही मेरा कक्ष है, वहीं जाके विश्राम कर लेता हूँ। देवर देवा, नारायण भार्या कहाँ है? भार्या? भार्या तो मुझसे रुष्ट है। अब मैं उसे मनाने ही जा रहा था, पण कसा जाऊ, चालता जात नहीं है मला। अच्छा एक विनती आपसे, वहां ना एक छोटे से पात्र में तेल रखा है, वो दे दीजिए ना मुझे, औषधियों से भरा है, थोड़ा लगा लूंगा तो बड़ा बात है। आप भी ना बड़े ही विचित्र हैं। जब भार्या ने मना किया था आपको उस वृक्ष पर चढ़ने के लिए, तो आप क्यों चढ़े? कसम माहिती है का, आपको सहायता की आवश्यकता थी तो मैंने आपकी सहायता कर दी। अब सहायता करने में कुछ भी बुरा तो है नहीं, बस आवश्यकता है समझने की और समझाने की। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं सबकी सहायता करना छोड़ दूं। काय झालं, काय विचार करता है? यही कि कितने अच्छे हैं आप जो ऐसे विचार रखते हैं, किंतु सब लोग ऐसा नहीं सोचते ना। हर कोई आपकी भांति ये नहीं जान पाता है ना कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी सुनिश्चित कर सकते हो कि उचित क्या है अनुचित क्या है। तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि क्या उचित है और क्या नहीं। ठीक है बसा, आता मला सांगा, क्या कभी किसी ने आपके लिए चोट खाई है जैसे आज मैंने आपके लिए खाई? उदाहरण के तौर पर, मैंने आज आपकी सहायता की और सहायता करते करते गिर गया, चोट लग गई, पण कुठे ना कुठे तरी आपको अच्छा लगा कि मैंने आपकी सहायता की, बरोबर ना? अब ये हो गई आज की बात, अब सोचिए कल जाके भविष्य में कभी आप किसी संकट में फंस जाओ, आपके साथ कुछ अनिष्ट होने जा रहा है, तब मैंने बहुत प्रयास किए किंतु उचित समय पर मैं पहुंच ही नहीं पाया, या मैं पहुंच भी गया था किंतु विवश होकर मुझे लौटना पड़ा। अब ऐसे में आप क्या स्मरण रखेंगे? आप भूल जाएंगे कि आज मैंने आपकी सहायता की थी, या आप केवल इतना स्मरण रखेंगे कि उस क्षण सहायता के लिए मैं नहीं पहुंच पाया। होता मनुष्य क्या करता है, कई बार उसे ये भूल होती है, बस वही क्षण स्मरण रखता है जिन क्षणों में उसे दुख मिला हो, पीड़ा मिली हो, किसी के एक भूल के कारण सब कुछ जो उसने अच्छा किया सब भूल जाता है। उचित कह रहे हैं आप, इस दृष्टिकोण से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक समस्या है, आप इस अनुसार सोचना प्रारंभ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, उचित अनुचित क्या है आप अपने आप समझ जाएंगे। क्या भेंट दूं भार्या को जिससे
से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए। क्या दूं क्या दूं क्या, हाँ आभूषण दे देता हूं, बहुमूल्य आभूषण उपहार स्वरूप कुछ दिखाइए मुझे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं है, इसी क्षण मुझसे कह दो भार्गवी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा मुख कदापि नहीं देखना चाहती। मनुष्य क्या करता है, कई बार उसे भूल होती है, वही क्षण स्मरण रखता है जिसमें उसे पीड़ा प्राप्त हुई है। किसी के एक भूल के कारण सब कुछ जो उसने अच्छा किया सब भूल जाता है। कितना समय लगा दिया भार्गवी दाई, वेंकटेश ठीक तो है ना? थोड़ी पीड़ा में है, परंतु उसने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु उसने जो कहा, मैं तो उस सोच में पड़ गई हूँ। कैसी सोच में ताई? यही कि कहीं मैंने श्रीनिवास को समझने में भूल तो नहीं कर दी। अरे भार्गवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मंदिर में एक कथा सुनाई जाने वाली है, उसे पूजा की सामग्री लेने आई थी। उमा तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। कुमार वासु, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। वो क्या आपको ज्ञात है कि श्रीनिवास इस समय कहाँ है? होगा कहीं, पर तुमने अच्छा किया उसे मिलने से मना करके। किंतु राजकुमारी पद्मावती तो यही है, तो श्रीनिवास तो वेंकटगिरी नहीं गया होगा, है ना? मुझे बस इतना पता है कि श्रीनिवास किसी कार्य से गांव के बाहर गया है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है वो फिर भी तुम्हें छोड़कर तो गया ना भार्गवी। हाँ, किंतु वो मिलने तो आया था ना मुझसे आई के घर, मैंने उसे मना कर दिया। हाँ, पर तुमने कुछ अनुचित नहीं किया है भार्गवी, समझने का प्रयास करो। एक तो श्रीनिवास ने विलंब किया, और जब तुमने उससे मिलने से एक बार मना क्या किया वो लौट गया, ये कैसा प्रेम है भार्गवी। यदि वो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता ना, मैं फिर भी कह देता कि नहीं उसका प्रेम सच्चा है तुम्हारे लिए, किंतु उसने तो प्रयास भी नहीं किया तुम्हारे और उसके संबंध के लिए। भार्गवी तुम भोली हो पर मूर्ख नहीं, आशा करता हूं कि श्रीनिवास का सत्य तुम्हें पता चल गया होगा। मैं आता हूं। राजकुमार वासु की बात भी तो उचित ही है, यदि मेरे मना करने के पश्चात भी श्रीनिवास यहाँ रुकता तो बात कुछ और होती। क्यों तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की श्रीनिवास, क्यों? अब कृपा करके मान जाइए ना गोविंद राज, यदि आप भार्या नहीं बनेंगे तो मेरी पूरी की पूरी योजना विफल हो जाएगी। आगे तो मुझे आपकी और भी अधिक आवश्यकता है, समझिए ना। तुम्हारी सहायता करने के चक्कर में ही मेरी क्या दशा हुई है ज्ञात भी है तुम्हें? फिर भी यदि एक क्षण के लिए भी तुम चाहते हो कि मैं भार्या बनूं, तो सर्वप्रथम उस वासु का कुछ करो तुम। अरे वो मुझे सत्य की नारी समझ के मेरे पीछे ही पड़ गए, उस वासु को दूर करो मुझसे, अन्यथा मैं भार्या तो कभी नहीं बनूंगा।